दोस्तों अभी चल रहा है सितंबर का महीना और इसी महीने की लास्ट में या फिर नेक्स्ट महीने की फर्स्ट वीक में आपको मिलने वाला है फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सेल जो कि है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, और उसी के साथ आपको मिलने वाला है अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो इस दोनों सेल में आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो बिकता है हमारा स्मार्टफोन जो कि हम रेगुलरली हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताया है जिस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जो मोबाइल फ़ोन आप खरीदोगे वो मोबाइल फ़ोन खरीद के आप उस मोबाइल फ़ोन को 3 से 4 साल बड़ी आराम से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का फर्स्ट लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसी 5 टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस टिप्स को यूज़ करके अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदते हो इस बिग बिलियन डे सेल में तो आप उस मोबाइल को 3 से 4 साल बड़ी आराम से विदाउट कोई ख़राब एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस 5 टिप्स के बारे में जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो पहला जो टिप्स है वो है आपकी मोबाइल की लुक्स के ऊपर, दूसरा जो टिप्स है वो है आपकी मोबाइल की प्रोसेसर के ऊपर, तीसरा जो टिप्स है वो आपकी मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर, और चौथा जो टिप्स है वो आपकी मोबाइल की बैटरी के ऊपर, और 5 नंबर का जो टिप्स है जो फाइनल टिप्स है वो है आपकी मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग स्पीड के ऊपर। चलिए चलते हैं पहला टिप्स के ऊपर जो कि आपकी मोबाइल की लुक के ऊपर। तो अगर आपकी मोबाइल की लुक्स अच्छा नहीं है तो उस मोबाइल को आप ऐसे भी खरीद के कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिए जिस मोबाइल की लुक आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस मोबाइल के साथ ना जाने का और उस मोबाइल को ना खरीदने का, क्योंकि ऐसे भी आपको उस मोबाइल को खरीदने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो उस मोबाइल को खरीदने के बाद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरा जो चीज़ आता है, दूसरा जो टिप्स है वो है आपकी मोबाइल की प्रोसेसर के ऊपर। तो जनरली मार्केट में अभी 4 तरीके का प्रोसेसर मिल जाता है। जो फर्स्ट जो प्रोसेसर है वो है आपका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम कंपनी बनाता है। सेकंड जो प्रोसेसर है वो है आपकी मीडियाटेक का प्रोसेसर जो कि मिड रेंज के मोबाइल फोन में मिल जाता है आपको, और थर्ड जो प्रोसेसर है वो है आपकी किरिन का प्रोसेसर जो कि आपको हुआ या फिर ऑनर की मोबाइल डिवाइसेस में मिल जाएगा, और जो फोर्थ प्रोसेसर है वो है आपकी सैमसंग की एक्जिनस प्रोसेसर जो कि आपको सैमसंग की डिवाइसेस में जनरली मिल जाता है। तो इन चारों प्रोसेसर में से मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का जो कि क्वालकॉम कंपनी बनाता है, और बाकी जो 3 प्रोसेसर मैंने बताया है उस प्रोसेसर को आप कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, क्योंकि उस प्रोसेसर के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक अच्छा नहीं है, तो आपका भी एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन इस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को चूज़ करने के बाद भी इसके अंदर भी आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। तो पहला जो कैटेगरी आता है वो आता है आपका 2000 से लेकर 6000 की प्राइस रेंज में, उसमें आपको 400 सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है। तो 400 सीरीज़ के अंदर आपको 425, 430, 435 एंड 450 ये सारे प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। इनमें से आपको जो भी नंबर के हिसाब से ज़्यादा नंबर का प्रोसेसर को मिल रहा है वो उतना ज़्यादा लेटेस्ट होगा। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको प्रोसेसर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप कोशिश कीजिए जितना भी आपको ज़्यादा नंबर मिल रहा है प्रोसेसर में जैसे कि 430, 435, 450, तो अगर आपको 450 मिल रहा है 6000 के अंदर तो उस प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो मोबाइल खरीदने के लिए। तो जो नेक्स्ट प्राइस रेंज आता है वो आता है आपका 7000 से लेकर 13000 तक, और इस प्राइस रेंज में आपको 600 सीरीज का कुछ प्रोसेसर मिल जाता है जैसे कि आपको 630, 632, 636 या फिर आपको मिल जाता है 650 और 660 प्रोसेसर। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में 660 वाला प्रोसेसर मिल रहा है या फिर 636 वाला प्रोसेसर भी मिल रहा है तो उस प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। उसके बाद जो प्राइस रेंज आता है वो आता है आपका 13000 से लेकर 20000 तक, और इस प्राइस रेंज में आपको 600 सीरीज़ का कुछ प्रोसेसर मिलता है और 700 सीरीज़ का कुछ प्रोसेसर मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे 700 सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाएगा जैसे कि आपको 710, 712, 730, 730G या फिर आपको 600 सीरीज़ का 665 एंड 675 ये सारा प्रोसेसर मिल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए अगर आपको इस प्राइस रेंज में अगर 700 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर मिल रहा है जैसे कि 710, 712 या फिर 730 अगर प्रोसेसर मिल रहा है तो उस प्रोसेसर के साथ आप जाने की कोशिश कीजिए, या फिर आपका नया जनरेशन का कुछ प्रोसेसर आ रहा है 600 सीरीज़ का जैसे कि 665 और 675, तो अगर आपको वो सारे प्रोसेसर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। तो अगर आपकी बजट थोड़ा लो में है जैसे कि 13000 से 16000 के अंदर है तो आप 600 सीरीज का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है जैसे कि 665 एंड 675 उसके साथ जाओ, या फिर अगर आपकी बजट 19000 के करीब है या फिर 20000 के करीब है तो आप 730 या 730G प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। उसके बाद अगर आपकी बजट बहुत हाई है मीन्स आपकी बजट अगर 20000 से ऊपर है, 25000 या फिर 30000 या फिर 30000 के भी ऊपर है, तो इसके लिए आपको 800 सीरीज का कुछ प्रोसेसर मिल जाएगा जैसे कि आपको 835, 845 या फिर 855 प्रोसेसर मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको 855 प्रोसेसर मिल रहा है तो वही वाला प्रोसेसर अभी तो बेस्ट प्रोसेसर है पूरे वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन के लिए, तो आप कोशिश कीजिए आपको 845 प्रोसेसर मिल जाए उस प्राइस रेंज में। तो ये तो होगी प्रोसेसर की बात, लेकिन प्रोसेसर आपको अकेला काम नहीं कर सकता है, उसके साथ आपको GPU और रैम भी चाहिए। तो अगर आपको प्रोसेसर अच्छा लेना है तो उसके साथ आपको रैम भी अच्छा लेना पड़ेगा। तो इससे अभी तो मार्केट में आपको 2 तरीके की रैम ही अवेलेबल है जैसे कि आपको LPDDR4 रैम मिलेगा और LPDDR4X रैम मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए आपकी मोबाइल में LPDDR4X वाला रैम हो
ताकि आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस जो अच्छी रहे। और कोशिश कीजिए 4 से 6 GB रैम लेने के लिए, क्योंकि 4 से 6 GB रैम के अगर नीचे रहेगा तो अभी की जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उस एप्लीकेशन को चलाने में आपकी मोबाइल को दिक्कत भी हो सकता है। और आपकी मोबाइल की GPU भी आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर ले रहे हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ GPU भी आता है एड्रिनो का, तो आपको GPU का टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन के अगर आप अच्छा प्रोसेसर लोगे तो उसके साथ अच्छा GPU भी आता है, जो कि गेमिंग में आपके लिए बहुत हेल्प करता है या फिर इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है आपकी डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पर जनरली आपको मार्केट में दो टाइप के डिस्प्ले मिल जाएगा, एक तो आपको मिल जाएगा LCD, दूसरा मिलेगा आपको LED डिस्प्ले। LCD पैनल के अंदर भी आपको दो टाइप का डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि आपको TFT LCD मिल जाएगा या फिर IPS LCD मिल जाएगा। और LED पैनल के अंदर आपको 3 टाइप का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि आपको OLED डिस्प्ले देता है, दूसरा देता है AMOLED डिस्प्ले और तीसरा देता है सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो इन दोनों डिस्प्ले में से आपको LED डिस्प्ले की तरफ ही जाना चाहिए, वही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप LED डिस्प्ले लेते हो तो वो आपकी बैटरी लाइफ को भी थोड़ा बढ़ा देता है और पावर कंजम्पशन बहुत कम करता है। और अगर आप LCD पैनल की तरफ जाते हो तो वो आपको पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा देगा, मीन्स बैटरी लाइफ थोड़ा कम हो जाएगा। और क्यों ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा कम होता है इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए इस चैनल का सब्सक्राइब करके रखें। और डिस्प्ले पैनल चूज़ करने के बाद आपको और एक चीज़ देखना है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो फुल HD है या फिर HD है या फिर फुल HD प्लस है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपका जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस होना चाहिए। फुल HD प्लस होगा तभी जाकर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो अच्छा होने वाला है। तो कोशिश कीजिए आपकी जो डिस्प्ले हो फुल HD प्लस हो। अगर आपकी बजट रेंज बहुत कम है, जैसे कि 4000, 6000, 7000 है, तो आपको फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है नहीं, आपको HD प्लस ही डिस्प्ले मिलेगा, तो उसके साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आपकी बैटरी के ऊपर। तो अगर आप कोई भी अच्छा मोबाइल खरीद रहे हो मिड रेंज में या फिर हाई रेंज में, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो बैटरी हो मिनिमम 4000 होना ही चाहिए। अगर 4000 से नीचे आ रहा है तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 4000 से ऊपर कोई बैटरी लेते हो तो आपको उसमें 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप या फिर 2 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। तो अभी तो मार्केट में 4000 mAh के ऊपर ही मोबाइल अवेलेबल है, जैसे कि 4000, 4500 mAh बैटरी या फिर 5000 mAh की बैटरी भी अवेलेबल है। तो आप कोशिश कीजिए आपके मोबाइल में 4000 के ऊपर ही बैटरी हो, ताकि आप उस मोबाइल को 1 से 1.5 दिन बड़ी आराम से यूज़ कर सकते हो सिंगल चार्ज में। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट आता है वो आता है आपकी बैटरी की चार्जिंग स्पीड के ऊपर। तो अब देखिए मोबाइल की स्पेसिफिकेशन शीट में, जो कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में अवेलेबल होगा, स्पेसिफिकेशन शीट में आपको लिखा रहेगा कि आपकी मोबाइल फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो अगर आपकी मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसमें आप बहुत ही जल्दी आपकी मोबाइल को फुल चार्ज कर सकते हो लगभग 1 से 1.5 घंटे में। तो कोशिश कीजिए आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो हो। और अगर आपके मोबाइल के साथ वो फास्ट चार्जर अवेलेबल नहीं भी होता है तो अभी आप बाद में वो फास्ट चार्जर खरीद सकते हो और उस मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकते हो 1 से 1.5 घंटे में। तो यही 5 टिप्स रहेगा मेरी आपको इस बिग बिलियन डे में मोबाइल खरीदने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए इस 5 टिप्स को अप्लाई करके मोबाइल खरीदने के लिए, और अगर आप इस 5 टिप्स को अप्लाई करके मोबाइल खरीदते हैं तो उस मोबाइल को आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।